दोस्तों फाइनली एक बार फिर से हिंदी सिनेमा के लिए खुशहाली का दौर लौट आया है और इस बार बॉक्स ऑफिस पर पैसों की गदर भी मची हुई है। लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म्स गदर 2 और ओ माय गॉड 2 ने अपनी दमदार एंटरटेनमेंट और बढ़िया स्टोरी टेलिंग के जरिए ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाई है। बात करें अगर सनी देओल की फिल्म गदर 2 की तो इसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए। आमतौर पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 3 हीरो ही ऐसे थे जिनसे हिंदी ऑडियंस सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल फिल्मों की उम्मीद रखती थी, जिनमें शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान का नाम आता है। वहीं अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्में आजकल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में खान्स की फिल्मों को टक्कर नहीं दे पा रही है, लेकिन गदर 2 के जरिए न सिर्फ सनी देओल की फिल्म ने खान्स को टक्कर दिया बल्कि आमिर खान और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स को बॉक्स ऑफिस की रेस में कहीं पीछे छोड़ दिया है। ये दिखता है कि 90s के सबसे बड़े एक्टर रह चुके सनी देओल को उनके फैंस आज भी नहीं भूले, और अगर फ्यूचर में सनी देओल और अच्छी फिल्में करेंगे तो उनके फैंस यूं ही उन पर प्यार लुटाते रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि गदर 2 ने आमिर खान की फिल्म दंगल, सलमान खान की फिल्म सुल्तान और टाइगर जिंदा है उसके साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी और अजय देवगन की फिल्म तानाजी को कहीं पीछे छोड़ दिया है शुरुआती 4 दिनों के कलेक्शन के मामले में। इस फिल्म ने अब तक 174 करोड़ का बिजनेस कर लिया है सिर्फ 4 दिनों में। सनी देओल की फिल्म गदर 2 कलेक्शन के मामले में अब सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म पठान से पीछे है। वहीं गदर 2 के साथ ही रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 भी लोगों को काफी पसंद आई। गदर 2 के दमदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बावजूद भी ओ माय गॉड 2 ने अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां इस फिल्म ने अपने पहले दिन 10 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सोशल साइट्स पर इस फिल्म को जमकर प्रशंसा मिली, जिसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन में दूसरे दिन और तीसरे दिन काफी बड़ा उछाल देखने को मिला, जहां 4 दिनों में इस फिल्म ने 54 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है। इन फिल्मों की रिलीज के चलते ही दर्शक बड़े नंबर्स पर फिल्मों को देखने के लिए थिएटर तक पहुंच रही है। उम्मीद करते हैं कि हिंदी सिनेमा की फिल्में ऐसी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होती रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर्स पर इन फिल्मों को एंजॉय कर सके अपने फैमिली के साथ। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।